हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे हैं 9:45 और हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। एलसीपीसी हम लोगों का प्लान था सुबह 5 बजे निकलने का, लेकिन सर हमारे उठे फोन। इनफैक्ट होटल को हमने बोला भी था कि हमको एक मॉर्निंग कॉल दे, उनका फ़ोन भी आया था और सर ने फ़ोन उठा के सो गए। तो आज हमारी राइड काफ़ी लेट स्टार्ट हो रही है, बट इट्स ओके। नेवरदलेस आज हमें ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल नहीं करना है। कितना 360 किलोमीटर है और रोड बहुत अच्छा है। यमुना एक्सप्रेस वे 250 का यमुना एक्सप्रेस वे, तो देखना ही नहीं पड़ेगा। सर तो हमारे काफ़ी हाल ही चला रहे, तो 150 किलोमीटर के ऊपर तो चलेंगे ही। लेट्स सी, चलो। तो गाइस हम लोग अभी पहले, अरे यार ये सेना, हाँ क्या हो गया इसको, सेना कैसा आवाज़ क्यों आ रहा है। एनीवेज तो पहले हम लोग एटीएम ढूंढ रहे हैं, हमें थोड़ा सा कैश विड्रॉल करना, क्योंकि पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी कार्ड यूज़ नहीं हो रहा है, हर जगह कैश ही मांग रहे हैं लोग। तो आई थिंक इट्स बेटर टू हैव कैश अलॉन्ग विद मी। आगरा का डालू, सॉरी नोएडा का डाल रहा हूँ मैं। चल आओ, तो गाइज अभी हम लोग ग्वालियर सिटी से बाहर आ चुके हैं और अभी हमको रिफ्यूल करना है, क्योंकि शंबरकर की गाड़ी जो है वो रिज़र्व पे आ चुकी है। और यहाँ से दिल्ली करीबन 300 किलोमीटर्स रहेगा। शंबरकर ये शायद भारत पेट्रोलियम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद देख ले एक बार। नहीं हाँ बीपी है, नहीं भरना है ना बीपी से। चलो कोई नहीं, कार्ड लेंगे क्या पूछ। हाँ ठीक है मेरे पास कैश नहीं करा था मैंने। भाई यहाँ से दिल्ली का रास्ता कैसा है? दिल्ली का रास्ता एकदम अच्छा है, एकदम स्लेम। अच्छा 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 120 हाँ फुल कर दो भैया, 771 हाँ याद रख। गाइज मेरा फ़ोन एकदम ओवर हीट हो चुका है, इसकी वजह से चालू भी नहीं हो रहा है अभी, पता नहीं क्या हो गया इसको। इसको ठंडा करने के लिए रखना पड़ेगा, मैं टैंक बैग में ऐसे रख देता हूँ। नोएडा जाके चेक करना पड़ेगा इसमें क्या हुआ एक्चुअली, हो जाएगा ना वैसे वो ठीक। नाइस, ये होता है इंजीनियर का दिमाग, सिविल इंजीनियर साला। हाँ भाई आज का टेम्परेचर इतना गर्म नहीं है यार, कल कितना खराब था सही में। हमें ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर में ब्रेक लेना पड़ रहा था और हाइड्रेट करना पड़ रहा था खुद को, बाप रे। उसमें भी मेरा हाइड्रा पैक भी नहीं चालू हो रहा था यार। हाँ एक्सप्रेस वे चालू हो गया ना? नहीं नहीं मैं फास्ट चलाऊंगा अभी नहीं, वैसे भी ये रोड पे काफी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, आराम से ही चलो। ओ लवली ब्रो लवली, क्या प्यारा रोड है ये, सही बे 180, अरे बाप रे,
खींच भाई, 100-100 खींचिए इस रोड पे। हाँ 100 करते, बहुत ही स्मूथ रोड है यार ये तो। कितना कितना लंबा पैच है ये, पूरा दिल्ली तक ऐसा ही है? सही है ब्रो, अपन बस बीच में एक बार लंच ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग वाटर ब्रेक के लिए यहाँ पे रुके थे, यहाँ से नोएडा कितना 68 किलोमीटर है ना? नोएडा तो 40 है। हाँ अपना 50 है, अपना घर अंदर है। हाँ हमारा शंबरगढ़ का घर है वहाँ पे, जो मैप्स पे 68 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी हम लोग कोई स्टॉप नहीं रहेंगे, समझा क्या, अभी डायरेक्ट घर पे जाते हैं और मस्त कुछ खा के सो जाते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं नोएडा के लिए। स्टार्टिंग में यमुना एक्सप्रेस वे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी और भगाने लायक, बहुत ज़्यादा भगाने लायक है ये। स्पीड तो मेंटेन हो रही थी 110-120, पर एक टाइम के बाद फिर काफ़ी बोर होने लगता है, क्योंकि रोड एकदम स्ट्रेट है, आजू बाजू में कुछ भी नहीं है ऐसे, एज यू कैन सी थोड़े बहुत गाँव लगे तो लगे, नहीं तो वो भी नहीं है। और बहुत डिस्टेंस मतलब करीबन 50 किलोमीटर्स ना शंभू, खाने के जॉइंट्स 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे फूड जॉइंट्स है, तो उसके वजह से भी काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो गाइज़ हम लोग नोएडा ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे तो नोएडा और दिल्ली के लिए जाएगा, और यहाँ से सीधा तो ग्रेटर नोएडा जैसे आप देख रहे हो। पर गूगल मैप्स हमको बोल रही है कि सीधा जाके एक लूप टर्न है, वहाँ से हमको इसका घर पास पड़ेगा। तो गूगल मैप्स के हिसाब से 51 मिनट दिखा रहे हैं, 31 किलोमीटर्स है, लेट्स सी। हाँ यही है वो लूप, ये देख। फाइनली पहुंच गए यार। सो गाइस आज की राइड बहुत सिंपल थी, वैसे तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे बहुत ही इजी था, पर हाँ एक्सप्रेस वे हाईवे एक ही बात है ना, तो जो भी है, तो हम लोग एक्चुअली लेट उठे, उसके वजह से हमारी राइड कितने बजे स्टार्ट हुई, 11 बजे ना हमारी राइड ही कुछ 11 बजे स्टार्ट हुई, और अभी हम लोग पहुँचे और काफ़ी थक चुके हैं। 11 बजे बहुत हुआ,
सही में बहुत मतलब बहुत सुबह कितनी भी छोटी राइड हो कभी भी सुबह ही करनी चाहिए। हम लोग काफ़ी ये सोच के चल रहे थे कि आज छोटी राइड है 300 किलोमीटर तो करना है, आराम से हो जाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट उठे। नेवर्थलेस अभी हम लोग पहुँच गए हैं। आज का ये प्लान है कि हम लोग उत्कर्ष के लिए एक रेंटल स्टोर ढूंढ रहे हैं दिल्ली में, जहाँ से वो एक हिमालयन रेंट करना चाहता है, वो उसकी हार्ली ले लेके नहीं जाएगा, तो वो आज का काम है। उसका मन तो बहुत है लेके जाने का, बट बिकॉज ऑफ द हार्श टेरेन उसकी गाड़ी वहाँ पे नहीं जा पाएगी, सो दैट्स इट। वैसे इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गुड बाय।